फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लासेस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुप जी, गुड इवनिंग प्रगति जी। चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन होइए। गुड इवनिंग हेमा, गुड इवनिंग, नमस्ते। रंजन कुमार, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन होइए। तो आप लोग बताएंगे हमें कि लास्ट पॉइंट जो है कल कहां तक बताया गया था। एडवांस मैच जो है कल शुरू किए थे हम लोग, आप लोग याद दिलाइए कि लास्ट पॉइंट कहां तक हम लोग कवर किए थे। संदीप यादव, गुड इवनिंग। लाइन, रे वर्टिकल लाइन, लास्ट पॉइंट आप कुछ अलग चीज देखे थे। कब रे नहीं पढ़ा गया था भाई, उसमें लास्ट में आप लोगों को बताया था एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल, ये तीन चीज कल बताया गया था कि कोण क्या होता है। दूसरा था उसमें अंतः कोण क्या होता है या एकांतर कोण क्या होता है, इसके बारे में बताया। तो आप लोगों को जो चीज कल क्लियर किया गया वो सब आप लोगों के क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए चलिए निधि जी, गुड इवनिंग। आइए फटाफट आप लोग ज्वाइन होइए। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। आज जो ट्राइंगल आदि की त्रिभुज के बारे में जानकारी मिलेगी कि ट्राइंगल में ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें जानना एकदम आवश्यक होता है। तो आप लोग जो है रेडी हो जाइए, मैं आज ट्रायंगल के बारे में ज्योमेट्री की हर चीजें बताने वाला हूं। त्रिभुज, जिसको आप इंग्लिश में ट्रायंगल बोलेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल का ये शेप है, इस शेप को ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके नामकरण को देखा जाए इसको ए बी सी ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल के बारीकी को आप लोगों को समझना है कि इसमें क्या क्या चीज होता है। सिंपल तो हर कोई जानता है कि ट्राइंगल क्या है, इसमें क्या चीज होता है, लेकिन आज बहुत बारीकी से इसको हम बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज की ट्राइंगल का डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज ट्राइंगल, अगर कोई पूछता है आपसे तो आप क्या बताएंगे। ये ए बी जो देख रहे हैं, ए बी को हम लोग भुजा बोलते हैं। भुजा का मतलब भाई खाने वाला भुजा नहीं है, ठीक है। ये भुजा का मतलब होता है साइड, ठीक है, साइड होता है। तो ए बी एक साइड हो गया, बी सी साइड हो गया एक, और एक सी ए इसमें जो है साइड हो गया, ठीक है। तो आपको इसमें तीन साइड दिख रहा है, तो कहा गया है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि अगर तीन भुजा उसमें है तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल है। जब तक वो बाउंडेड नहीं होगा हम उसको ट्राइंगल नहीं कहेंगे। जैसे 1 2 3, मैं यहां भी थ्री साइड जो है ड्रॉ किया हूं, लेकिन क्या ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल नहीं है। तो मैं एक बार और जो है ट्राइंगल को रिपीट कर रहा हूं, कभी आप उसको नोट भी कर सकते हैं।
कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। बॉन्डेड फिगर विथ थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल, बॉन्डेड फिगर विथ थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल कह सकते हैं। अब इसके तीन साइड आप लोगों ने देखा ए बी बी सी सी ए, इसमें जो है इसके अंग होते हैं त्रिभुज के, पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के जो है तीन भुजाएं होती है, पहला इसका पार्ट है, तीन भुजा होती है जो आप देख सकते हैं ए बी बी सी सी ए। अब इसमें भी एक बारीकी है कि हम ए बी को क्या सिंबल देंगे। ए बी को एक सिंबल दिया जाता है, जैसे ए बी सी तीन इसमें जो है लेटर है, तो ए बी दिख रहा है तो कौन सा लेटर नहीं दिख रहा है, कोई भी। इसमें तीन लेटर ए बी सी जो है सी, तो इस ए बी साइड को आप स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, किसे, स्मॉल सी से। यानी कि कोई कहे कि ए बी साइड जो दिख रहा है इसका नोटेशन क्या है, तो आप बोलेंगे स्मॉल सी। अगर बी सी को आप डिनोट करना चाहते हैं तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, बी सी ए, ये नहीं दिख रहा है स्मॉल ए। सी ए को डिनोट करना चाहते हैं तो सी ए में क्या नहीं दिख रहा है, बी, स्मॉल बी। यानी कि हम बी सी को कह सकते हैं स्मॉल ए और ए सी को कह सकते हैं हम स्मॉल बी। तो आशा है आप लोगों को नाम रखने अब आ जाएगा कि कभी हम किसी साइड का नाम कैसे रखते हैं। ये जो है इसके स्टैंडर्ड रूप है। और देखिए कैपिटल बी कुछ लोग लिख रहे हैं, कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, एक और हमारे पास उपाय है। ये ए दिख रहा है ना, तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी दिख रहा है ना, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और यहां सी दिख रहा है तो सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी नोटेट डिनोट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। दूसरा देखिए, दूसरा चीज है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं जिसको प्राय अंतः कोण के नाम से जाना जाता है। इसे किस कोण के नाम से जानेंगे, इंटीरियर एंगल। अब कोई कहता है कि एंगल ए, तो एंगल ए का अर्थ दो हो जाता है। देखिए एंगल ए का अर्थ बाहर भी हो सकता है और एंगल ए का अर्थ भीतर भी हो सकता है। तो जब तक बोला ना जाए कि इंटीरियर एंगल, अंतः कोण, तब तक आप जो बाहर के भी एंगल को आप बता सकते हैं। लेकिन जब बोला जाएगा कि अंतः कोण ए, तो ये अंदर का कोण होना चाहिए, अंतः कोण बी, अंतः कोण सी। अगर प्रायः अगर कहीं कोई नहीं बोलता है कि इंटीरियर की आउट एक्सटीरियर, तो आप अक्सर प्रायः इंटीरियर एंगल ही लेंगे, यानी अंतः कोण ही वहां पर वैल्यूएशन उसका होगा। तो तीन कोण इसके होते हैं कौन कौन, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हमें आशा है आप लोगों को अब अंतः कोण ए का अर्थ समझ में आ गया होगा कि ए अंदर वाला, बी अंदर वाला, सी अंदर वाला। तो त्रिभुज के दो अंग हुए, पहली तीन भुजा और दूसरा तीन कोण, कोई डाउट नहीं है ना। ओके 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 शुभ जी, अब हम इसमें जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तो हम लोग समझ गए, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है ए बी बी सी सी ए, जिसको प्रायः स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। अर्थात एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ये हमेशा ये आप इसको लिख सकते हैं। इसके थ्री एंगल्स होते हैं जो प्राय इंटीरियर होते हैं, अर्थात अंतः कोण, अंतः कोण ए, अंतः कोण बी, अंतः कोण सी। अब इसमें हम लोग जानेंगे दूसरी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल,
त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन एक और यहां बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका यहाँ जवाब होगा कि ट्रायंगल जो है 6 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3, थ्री थ्री मिलकर 6 होते हैं। यानी कि पहला है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 टाइप के, इसमें जो है 3 टाइप के ट्रायंगल हो जाते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझे, नोट्स भी बना सकते हैं बाद में, 5 मिनट बाद आप कभी भी याद करके भी नोट कर सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल है जिसको कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है जिसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब इसको देखिए, इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको बोलेंगे आइसोस्केलेन, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। बोल सकते हैं ट्रायंगल, यानी कि तीनों भुजा जिसकी विषम होती है। अब इसकी डिफिनेशन पर ध्यान दीजिए, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा इक्वल होती है, वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं इक्वल होती है। देखिए, अगर वन वन लाइन में खींच रहा हूं तो इसका मीनिंग होता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। वन वन लाइन खींचने का मतलब कि जहां जहां वन वन खींचा जाता है साइड पर, वो सारे साइड जो है बराबर होते हैं। शुभम जी, ओके ओके। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज की डिफिनेशन जानेंगे कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो कहेंगे कि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। दूसरा समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज, देखिए मैं वन वन दो लाइन पर खींचा हूं, दो इसकी साइड पर, और एक पर मैं अलग खींच ले रहा हूं। इससे ये पता चल रहा है कि दो साइड तो इसके इक्वल है, कौन कौन? ए बी और ए सी इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू बी सी। यानी कि ए बी और ए सी जो है इसके इक्वल साइड है, लेकिन बी सी जो है उसके इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं समद्विबाहु, यानी कि आइसोस्केलेन ट्रायंगल। एनी प्रॉब्लम? नो? चलिए ओके। अब लास्ट है ये विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिनकी ईच साइड इज इक्वल, इसके जो है ए बी सी, यानी कि ईच साइड आर नॉट इक्वल, मतलब इसमें जो है सब साइड इसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये जो है इसके अलग, देखिए वन लाइन खींचा हूं, इसमें 2 लाइन खींचा हूं, इसमें 3 लाइन। इसका मतलब ये होता है कि ये साइड अलग लेंथ की होगी, अलग लेंथ की होगी, अलग लेंथ की होगी। यानी ऐसा कहीं पर अगर ये चीज, एक मिनट थोड़ा कॉल आ रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए, क्लासरूम आईडी, अब क्लास चल रहा है उसी में आप कॉल कर रहे हैं, 800 27। अरे भाई, लाइव क्लास चल रहा है, 47 56। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है विषमबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाता है। यानी ए बी इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट सी ए, यानी सारे साइड इसमें जो है अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल या विषमबाहु त्रिभुज। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि साइड के आधार पर कितने ट्राइंगल होते हैं?
साइड के आधार पर कितने ट्राइंगल होते हैं? फिर रहे हैं भाई आप लोग, थ्री होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब मैं यहां देख रहा हूं दूसरा कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर जो है आपके तीन ट्राइंगल इसमें भी होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है इसमें समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है इसमें अधिक कोण त्रिभुज। अब थोड़ा तीनों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है। तो कल आप लोगों ने सीखा था कि न्यून कोण किसे कहते हैं, बताइए न्यून कोण का मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, 90 से कम। निधि जी सही है, सही है। तो न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम होता है, तो ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल जो है 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। थोड़ा डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिएगा, एक मिनट साइड में मैं लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। देखिए पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण जो है 90 अंश से छोटा हो, जैसे 70 है, 50 है, 60 है, देख रहे हैं सारे एंगल आप देख रहे हैं कि न्यून कोण दिख रहा है, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं न्यून कोण, और ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जय हिंद जय हिंद भाई। चलिए ठीक है, ओके ओके, थोड़ा सा एक मिनट आप लोग रुक जाइए। तो आप लोगों का ये न्यून कोण ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। दूसरा इसमें है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण, ध्यान सुनिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि जिसके कोण समकोण हो, ये गलत हो जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, देखिए एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो जो है न्यून कोण हो, अरे जैसे ये हो गया 50 से हो गया 40, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी जो शेष कोण बच रहे हैं वो न्यून कोण हो, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और इसका मेन सिंबल यही है, कल आप लोगों को बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज में ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है तो पक्का ये जो है श्योर है कि समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का डिफिनेशन है कि वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण, देखिए इसमें भी ओनली बोल रहा हूं मैं, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल? एक सौ अस्सी हो गलत बात है भाई, 180 से अधिक हो ये भी गलत है, लग रहा है आप लोग भूल गए। अब वह कोण जो 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, 90 से अधिक, प्रभात पांडे जी 90 से अधिक 180 से कम, देखिए ये यहां पर 90 डिग्री है, थोड़ा सा इसको मैं गेन कर दे रहा हूं, अधिक कर दे रहा हूं। अब ये जो एंगल बना है 90 से अधिक बना है और इसको मैं ज्वाइंट कर दूं तो ये ट्रायंगल जो बना है, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण तो 90 से अधिक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री,
ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, एक कोण 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, बाकी दो एंगल जो दिख रहे हैं ये फिर एक्यूट एंगल होंगे यानी कि न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं तीनों ये ट्रायंगल को, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 से अधिक किंतु 180 से कम होता है अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण अधिक कोण होता है अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं फिर क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, फटाफट जवाब दीजिए। सिक्स, ओके क्लियर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं? थ्री, ओके। कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं? थ्री, ओके क्लियर है। अब मैं एक आकृति बना रहा हूं और आप लोगों से पूछेंगे कौन सा ट्रायंगल है, इसको फाइनली आप लोगों को बताना है। जैसे देखिए, ये कौन सा त्रिभुज है ऑन द बेसिस ऑफ साइड? समबाहु त्रिभुज, गलत जवाब है। विषमबाहु त्रिभुज, गलत जवाब है। समद्विबाहु त्रिभुज, हमारे नीति सही बधाई है। अरे भाई, दो साइड इसके इक्वल है और एक जो है अनइक्वल है, यानी कि जब दो साइड बराबर हो गए तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज है। इधर आइए, एक ट्रायंगल ये है, ये आपका 110, ये आपका 30, ये आपका 40। ये कौन सा त्रिभुज है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के हिसाब से कौन सा त्रिभुज है? शुभम छोटू सिंह, अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, बहुत बढ़िया। ये अधिकोण त्रिभुज है किसका, क्योंकि इसका एक कोण 90 से अधिक हो चुका है, अधिकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, 60, 70, 50, यह कौन सा त्रिभुज है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से यह कौन सा त्रिभुज है? शुभम जी, न्यून कोण त्रिभुज, क्लियर है, न्यून कोण त्रिभुज। अब हमें आशा है कि आप लोग ट्रायंगल पहचान सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड थ्री, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थ्री। और कुछ बेस ना पूछा जाए तो आप बताएंगे टोटल ट्रायंगल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का ट्रायंगल जो है टाइप क्लियर हो गया, ट्रायंगल का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एंट्री लेते हैं और भी। देखिए, ये जो है ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ जो है डेफिनेशन आपको बताने जाने वाले हैं जो आपके थ्योरम में काम आएंगे। जैसे बहिष्यकोण, ध्यान दीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो आपने अभी सीखा कि ये क्या है, ट्रायंगल है एबीसी। मैं इसके साइड बीसी को, हाँ, मैं इस साइड बीसी को आगे की ओर बढ़ाना चाहता हूं। ध्यान सुनिएगा, यहां पर दो चीजें आपको सीखने को मिलेगा। मैं कहूं कि बीसी को बढ़ाया जाए, किसको,
बीसी को बढ़ाया जाए, मैं इसी को बोल रहा हूं कि सीबी को बढ़ाया जाए, इसमें क्या डिफरेंस है? बीसी को बढ़ाने में और सीबी को बढ़ाने में क्या डिफरेंस है? तो आप बताएंगे कि बीसी को बढ़ाने का मतलब कि बी से सी की ओर बढ़ना है। ये देखिए, ये बीसी को मैंने बढ़ाया, अब मैं बोलूं कि सीबी को बढ़ाना है तो सी से बी की ओर बढ़ाएंगे, यानी कि इधर बढ़ाएंगे। तो क्या आप बीसी और सीबी को बढ़ाने का डिफरेंस समझ पा रहे हैं? बीसी बढ़ाने का मतलब और सीबी बढ़ाने का मतलब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि बीसी को बढ़ा दिया, कहां तक? ई तक, ई तक मैंने बढ़ाया। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक जो है एंगल फॉर्म कर दिया है, एक एंगल यहां पर फॉर्म किया है, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई, कोण ए सी ई, दिख रहा है? इस ए सी ई कोण को कहते हैं त्रिभुज का बहिष्य कोण। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज का बहिष्य कोण। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग, ध्यान सुनिएगा। किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर बनने वाले कोण को त्रिभुज का बहिष्य कोण कहते हैं। एक बार फिर, किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर बने कोण बहिष्य कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, एक त्रिभुज के कितने बहिष्य कोण हो सकते हैं? गुड इवनिंग किशन रैना जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो बीसी को बढ़ा दिए, सीए को बढ़ा देंगे तो यहां पर एक कोण बन जाएगा बहिष्य कोण, अगर एबी को बढ़ा देंगे तो यहां पर बन जाएगा बहिष्य कोण, यानी कि तीन साइड है तो इसके तीन बहिष्य कोण भी बनाए जा सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रूप ये चीज समझाया जा सकता है कि किसी भी आकृति के जितने साइड होंगे, किसी भी आकृति के जितने साइड होंगे उतने उसके एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं। तो बताइए, अगर पंचभुज के बहिष्य कोण पूछे जाए तो आप क्या बताएंगे? पंचभुज के कितने बहिष्य कोण होते हैं? पांच, बहुत बढ़िया, पांच होते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं अपने से भी, अब कोई दिक्कत नहीं है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर बनने वाले कोण को। सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। भाई जिसको नहीं दिख रहा होगा वो नेट की प्रॉब्लम आपके यहाँ होगी, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो लीजिए, ठीक है। जिसके पास नहीं दिख रहा है नेट की समस्या आपकी होगी, थोड़ा सा इधर उधर हो लीजिए, घर के पास पास अगर होंगे तो दरवाजे में चले जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब ठीक है, ओके। चलिए, तो बहिष्य कोण आपका क्लियर हो गया। अब जो है बहिष्य कोण पर चर्चा बाद में होगी, बस इसका डेफिनेशन मुझे क्लियर करना था। तो आप लोग बहिष्य कोण की डेफिनेशन एकदम क्लियरली बता सकते हैं? अब क्लियर है, ओके। चलिए हेमा जी आगे बढ़ते हैं। आज बताने जा रहे हैं सेंटर इन द ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। देखिए, आपको बता रहा हूं कि त्रिभुज में अनेक प्रकार के सेंटर को ढूंढा गया है, केंद्र बिंदु। तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में एक करता है कि त्रिभुज में, सुनिएगा ध्यान से, त्रिभुज के कितने केंद्र, त्रिभुज में कितने बिंदु होते हैं, कितने केंद्र होते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज में कितने केंद्र होते हैं। एक पूछता है कि त्रिभुज के कुल कितने केंद्र होते हैं। तो आपका जवाब होगा कि त्रिभुज में चार जो है इसमें केंद्र होता है, और जब टोटल की बात किया जाए तो पांच केंद्र होता है त्रिभुज में। त्रिभुज के भीतर कितने केंद्र होते हैं? तो चार। अब अगर पूछता है कि त्रिभुज के भीतर या बाहर टोटल मिलाकर कितने केंद्र होते हैं, तो अब पांच। ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं? जैसे ये त्रिभुज है तो हो सकता है कि इसी में केंद्र हो चार टाइप के, तो ये बताया हूं त्रिभुज के भीतर चार केंद्र होते हैं, और हो सकता है बाहर होता हो तो टोटल पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा, ठीक है ना। अब सारे सेंटर को हमें सीखना है, उसका डिफिनेशन बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में श्योर है कि आना ही आना है,
आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दीजिए, ये सेंटर में से एक सेंटर एकदम श्योर है कि आपका आना है, इसकी गारंटी है। तो आइए सबसे पहला सेंटर इसमें देखते हैं हम। एक बार पहले बताइए, ट्रायंगल में, त्रिभुज में कितने केंद्र होते हैं? चार। बहुत बढ़िया, चार होते हैं। और त्रिभुज में, त्रिभुज के कुल कितने केंद्र होते हैं? पांच। ओके ओके, ठीक है। पहला देखिए, पहला ये केंद्र है सेंट्रोइड, जिसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक, या इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज का पहला ये सेंटर जुड़ा गया जिसका नाम है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। इंग्लिश में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस केंद्र को इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड, ठीक है ना। तो ये केंद्र क्या होता है, आप हमेशा के लिए इसको सीखिए आज। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, ठीक है, किसी त्रिभुज की जब माध्यिका खींची जाती है, मीडियन, व्हाट इज मीडियन, आपसे इसमें पूछने लायक है कि मीडियन क्या होता है। जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा की मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो इस रेखा खंड को माध्यिका कहते हैं। यानी कोई पूछे कि एम क्या है तो बोलेंगे कि ए एम भुजा बीसी की माध्यिका है, माध्यिका है, इंग्लिश में इसको मेडियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताइए ए एम किसकी माध्यिका है, ए एम किसकी माध्यिका है, बीसी की, क्लियर है, ओके। अब सुनिए, अगर सपोज दैट इसका मिडिल पॉइंट यहां, देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि आधा आधी हो गया, ऐसे कर दिया इसका मतलब इसका आधा आधी हो गया। तो अगर मान लीजिए कि ए, ये जो है डी था, ये जो है आपका ए डी लिख दिया हूं, ये ई है सपोज दैट, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा क्या क्या मिल गया, तो कोई पूछता है कि ए क्या है, क्या बताएंगे आप लोग, ए क्या है, ए सी की माध्यिका है, बहुत बढ़िया, ए सी की माध्यिका ए हो गया। और इसके मिडिल पॉइंट को सपोज दैट ये मिडिल पॉइंट इसको बीच में ले लिए यहाँ पर, और इसको भी ले जाकर कि इसके वर्टेक्स से अगर सिर्फ से मिला दूं तो ये सी एफ क्या है, सी एफ किसकी माध्यिका है, सी एफ आपका ए बी की माध्यिका है, सही है। तो मैंने क्या किया, किसी ट्रायंगल के सभी माध्यिकाओं को ड्रा किया। जब मैं किसी ट्रायंगल के सभी माध्यिकाओं को खींचा तो तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है, आप देख रहे हैं काट रही है ना, इस बिंदु को ओ अगर डिनोट कर दिया जाए ओ से, तो इस ओ को ही कहते हैं त्रिभुज का केंद्र। अब इसका डिफिनेशन मैं क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्र कहलाता है या गुरुत्व केंद्र कहलाता है, बोलिए क्लियर है। किसी त्रिभुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं प्रभात पांडे जी, इसी को जो है सेंट्रोइड कहते हैं इंग्लिश में, या इसी को हिंदी में केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग एक बार मन में अपने बोल लीजिएगा कि भाई ये केंद्रक है क्या, एक बार मैं भी बोल रहा हूं, किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का कटान भी केंद्रक कहलाता है, ठीक है। वंस मोर एस के ठाकुर, चलिए देखिए एक बार और, एक बार और मैं आपसे क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए ये हो गया आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, सपोज दैट पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इस क्यू आर भुजा के मिडिल पॉइंट को मैंने पता किया यानी ए बराबर ये, और इसको वर्टेक्स से मिला दिया, ये हो गया एम सपोज दैट। तो कोई पूछे कि एम क्या है, तो कहेंगे एम जो है Q
QR भुजा की माध्यिका है। माध्यिका डिफिनेशन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड माध्यिका कहलाती है। तो मैंने QR की माध्यिका खींचा, अब मैं PR की माध्यिका खींच रहा हूं इसको, फिर मैं PQ की माध्यिका खींच रहा हूं। यहां से तीनों इस बिंदु पर काटे हैं, इसी बिंदु को बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रोइड। अब क्लियर हुआ? क्लियर हो गया है? ओके, तो भाई इसको नोट्स करके बढ़िया से रखिएगा डिफिनेशन। एक बार मैं बोल दे रहा हूं राहुल जी, सुनिए। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र कहलाता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र कहलाता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, तो एक केंद्र जो है आपका क्लियर मैंने कर दिया कि केंद्र क्या होता है त्रिभुज। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके, एक केंद्र आपने समझ गया, उस केंद्र को मैं साइड में लिख कर रख दे रहा हूं, केंद्रक। केंद्रक आप लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा एक केंद्र है जिसको बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को इंग्लिश में बोला जाता है इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है, यस हेमा जी, ये किसी भी ट्रायंगल पर फॉलो करेगा, यानी कि जो सिक्स ट्रायंगल आप पढ़े मैं सबके लिए बता रहा हूं, न कि किसी एक ट्रायंगल के लिए। जो भी सेंटर बता रहा हूं ये हर तरह के सेंटर के लिए मैं बता रहा हूं, हर तरह के त्रिभुज के लिए बता रहा हूं। भाई वीडियो नहीं चल रहा है ऐसा तो नहीं है, प्रॉब्लम आपकी होगी, थोड़ा नेट आपके यहां दिक्कत होगा। देखिए ठीक है, ठीक है, आपके यहां समस्या होगी। देखिए भाई बलिया है और दूसरे भाई हम लोगों का गांव है, ठीक है ना, तो नेट की समस्या तो बनी ही रहेगी अभी यहाँ पे, जब तक कोई व्यवस्था ना बनाया जाए, ठीक है ना। तो अंतः केंद्र को इंग्लिश में बोलेंगे इन सेंटर, कोई कोई इसी को बोलता है सो सेंटर। तो ये मत सोचिएगा कुछ नया आ गया, इसलिए मैं दोनों ही नाम इंग्लिश में बता रहा हूं, इन सेंटर बोलिए या सो सेंटर इसको बोला जाता है, और हिंदी में हाँ या सो सेंटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। अब ये अंतः केंद्र क्या होता है ध्यान से सीखिएगा। मैंने एक फिर ट्रायंगल खींचा, ये जो ड्रा कर दिया एबीसी, पिछले सेंटर में हम लोग माध्यिका खींचे थे, अब इसमें माध्यिका से कोई मतलब नहीं है। ये बताइए यह क्या है, अगर मैं पूछूं कि यह क्या है तो शायद आपका यह जवाब होगा कि यह त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है। क्या है? इनर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो इसके तीन जो है इंटीरियर एंगल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक दो तीन। अगर ये बताइए अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तो कितना डिग्री का होगा, बाइसेक्टर कितने डिग्री का होगा? 300 नहीं भाई, 30 एक जीरो बढ़ गया है निधि जी। तो देखिए इसका बाइसेक्टर का मतलब इस कोण को आधा करने वाला 30 30। तो किसी कोण का कोणार्धक कहा जाए उसे या बाइसेक्टर कहा जाए, बात एक ही है। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, जैसे इसका आधा करने वाला एक रेखा खींच रहा हूं, इसको जाने दीजिए जहां जाए उसे कोई मतलब नहीं है, ये कोण क्या हो गया आधा आधी हो गया। फिर मैंने इस कोण का अर्धक खींचा ऐसे, ठीक है, ये कोण आधा आधी हो गया। फिर मैंने इस कोण का अर्धक खींचा, कहीं भी जाए उसे मतलब नहीं, तो ये कोण भी आधा आधी सब हो गए।
आदि की जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक खींचे जाते हैं तो इनका जो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसको कहते हैं अंतःकेंद्र, सो सेंटर या इन सेंटर। तो आप लोग एक बार डिफिनेशन पर ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, तीनों कोणों के अर्धक का कटान बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है। समझ गए हैं या नहीं समझे हैं? यस नो कुछ बोलिए जी। क्लियर है सबको? भाई देखिए सब लोग यस बोल रहे हैं, अगर कोई नो भी वाला है तो बोले, ठीक है। चलिए एक बार मैं अपनी मर्जी से दोहरा दे रहा हूं, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं। इसको अंतःकेंद्र क्यों कहते हैं इसका अर्थ बता रहा हूं। जब यहां पर हम लंगड़ा पठार को इसे रख करके कोई सर्किल बनाते हैं तो एक ऐसी सर्किल यहां से ड्रा हो जाती है जो तीनों भुजाओं को टच करके जाती है। यही कारण है कि इसको बोला गया अंतःकेंद्र, क्योंकि अंदर के वृत्त का एक केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? अंदर के वृत्त का एक केंद्र हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखने वाला रखा अंतःकेंद्र, यानी कि इन सेंटर, यानी जो भीतर इसके सर्किल बन रहा है उसका ये क्या है? सेंटर है। यानी यहां से जरूर एक सर्किल खिंचाएगा जो तीनों भुजाओं को टच करके जाएगा। और कहीं से भी अगर त्रिभुज खींचने की सर्किल कोशिश करेंगे कभी भी सर्किल नहीं खींच पाएंगे तीनों भुजा को टच करें, सिवाय इसके इसी बिंदु से सर्किल को हम खींच सकते हैं। केंद्र वाला ऐसा था लेकिन उस बिंदु से अगर सर्किल बनाएंगे, जब आप ज्योमेट्री से रचना पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको खींचना सिखाया जाता है, उससे खींचेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि सर्किल बनेगा, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। लेकिन अगर बाइसेक्टर खींच रहे हैं कोण का तो पक्का जो है आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, उसमें होगा भी नहीं भी होगा उसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। हेमा जी क्लियर हुआ? ओके, तो आप लोगों ने अंतःकेंद्र भी समझ लिया। लास्ट में मैं एक बार फिर पूछूंगा सब लोगों से, ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। तो दूसरा जो है सेंटर आप लोगों ने समझ लिया, जिसका नाम है अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र, ठीक है। अब तीसरा इसमें केंद्र बताने जा रहा हूं जिसका नाम है परिकेंद्र। देखिए इसको हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं और इंग्लिश में सर्कुम सेंटर बोलते हैं, सर्कुम सेंटर, ठीक है ना, सर्कुम सेंटर कहते हैं। या एक और भी इसका नाम है शिफ्ट, शिफ्ट सेंटर, ठीक है। जैसे उसके दो नाम था सो सेंटर या इन सेंटर, उसी तरह इसके भी दो नाम रखे गए हैं, शिफ्ट सेंटर या सर्कुम सेंटर या हिंदी में बोलिए परिकेंद्र। अब आप समझने वाले हैं कि भाई परिकेंद्र क्या होता है, यह कहां होता है, इसका क्या यूज है। तो देखिए मैं एक यहां पर ट्रायंगल फिर बना रहा हूं एबीसी। अब थोड़ा इसको समझने के लिए एक अलग से चीज सीखी, ये मैंने एक रेखाखंड खींचा है एबी, आप लोग समझ रहे होंगे एबी रेखाखंड है। इसके मिडिल पॉइंट को मैंने यहां ले लिया, मिडिल पॉइंट जैसे ये एम ले लिया मिडिल पॉइंट। अगर इस मिड पॉइंट पर कोई रेखाखंड लंबवत खींच दी जाना है 90 डिग्री पर, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? कोई भी एक आदमी जवाब दे अगर पहले से जानते हो तो, कि मैंने एक रेखाखंड के मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, उसको क्या बोलते हैं? लंबार्धक,
लंब तो बोलेंगे ही, लंब तो मैं खींचा ही हूं, लंब धन अर्धक साथ साथ में आधा भी कर रहा है ना, तो दोनों मिलाकर बोलिए, लंब भी है अर्धक भी है, दोनों मिलाकर क्या बोलेंगे, लंबार्धक, लंबार्धक रेखा। तो अब कहीं अगर मैं बोलूं कि लंबार्धक रेखा तो इसका मीनिंग आप लोग समझ जाएंगे कि वह रेखा जरूर बीच से जा रहा होगा और परपेंडिकुलर जा रहा होगा, ऐसे लाइन को बोलते हैं लंबार्धक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो अब इसको अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसका इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं। देखिए मैं क्या किया कि बीसी का लंबार्धक खींचा, लंबार्धक मैंने अब समझ गए होंगे आप, ये कहां जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, बस लंब होना चाहिए और आधा आधी में से जाना चाहिए। फिर मैं इसका देखिए लंबार्धक खींच रहा हूं, ये बीच पॉइंट है तो ये आधा आधी कर दिए और इस पर लंबार्धक खींच रहा हूं, ठीक है, ये जहां जाए जाने दीजिए। फिर मैंने इसका मिड पॉइंट लिया और इस पर भी लंबार्धक मैंने खींच दिया, ठीक है, ये जिस बिंदु पर तीनों लंबार्धक काटते हैं इस बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र, क्या बोलते हैं परिकेंद्र। तो एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन ध्यान सुनिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धक का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। एक बार और, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। कोई डाउट है तो बोलिए। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धक का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, यानी कि रेखाएं जो है इस भुजा पर लंब होनी चाहिए, आधा में से जानी चाहिए, जिस बिंदु पर तीनों काटती है उसे कहते हैं, कंफ्यूजन है माधिका और इसमें, अरे भाई माधिका शीर्ष से खींची जाती है, माधिका के लिए शीर्ष से आना अनिवार्य है, बीच में ये शीर्ष से तो कोई जा ही नहीं रहा है, डिफरेंस समझ में आया आपको माधिका में और इसमें, माधिका हमेशा शीर्ष से चलती है जबकि ये शीर्ष से इसका कोई मतलब नहीं है, भुजा के बीच से आधा जो है काटते हुए लंबवत निकल जा रहा है। क्लियर हुआ तो बोलिए, जिसने पूछा था क्लियर हो गया। चलिए तो एक बार और बोल लीजिए, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब सवाल यह है कि इसको परिकेंद्र क्यों कहा गया, परि मने बाहर बाहर, केंद्र मने सेंटर, यानी एक ऐसा इसके चारों ओर से सेंटर विपरीत जाने वाला है जिसका ये सेंटर होगा, अर्थात तो अगर लंगड़े प्रकार को यहाँ पर रख दिया जाए और इस किसी भी इसके शीर्ष पर ऐसे टच करके खींचा जाए सर्किल, तो एक ऐसी सर्किल खिंचाएगी जो तीनों ही सेंटर शीर्ष से होकर जाएगी, यानी इसके बाहर बाहर एक सर्किल ऑटोमेटिक घूम जाती है और इसी का ये सेंटर है, चूंकि ये बाहर वृत्त है इसीलिए परी बोला गया और उसका ये सेंटर है इसलिए परी केंद्र बोला गया, यही कारण है कि इसका नाम रखा गया है परी केंद्र। तो कोई पूछ सकता है कि परी केंद्र से वृत्त कैसा खिंचाता है, तो बाहर बाहर, अंत केंद्र से वृत्त कैसा खिंचाता है, तो भीतर भीतर, समझ में आ रहा है, अंत केंद्र से वृत्त अंदर खिंचाएगा और परी केंद्र से वृत्त बाहर बाहर खिंचाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तीसरा सेंटर भी समझ लिया जिसका नाम है परिकेंद्र, क्लियर हो गया परिकेंद्र। चलिए एक बार और मैं रिवाइज करूंगा लास्ट। अब यहां पर चौथा सेंटर आ गया आपका शीर्ष, शीर्ष लंब केंद्र, शीर्ष लंब केंद्र जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे आर्थो सेंटर, सुने होंगे आर्थो सेंटर, इसको इंग्लिश में आर्थो सेंटर बोला जाता है और हिंदी में शीर्ष लंब केंद्र बोला जाता है। अब आइए इसका डिफिनेशन दिखाते हैं,
किसी भी त्रिभुज, ध्यान से देखिए, किसी भी त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, बहुत कम डिफरेंस उसमें इसमें दिखेगा पिछले वाला में, आर्थो सेंटर में। इसका नाम है शीर्ष, यानी शीर्ष से लंब, यानी कि लंब डालना है तो किस पर लंब डालना है, भुजा पर। यानी कि यानी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए। अब देखिए, मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूं कि बीच में जाके गिरेगा, ये कहीं भी गिरे उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, बीच से कोई मतलब नहीं है। अगर ये बीच में जाकर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माधिका हो जाएगा। तो मैं माधिका नहीं कह रहा हूं, कह रहा हूं किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाले जाए, तो यहां से लंब इस पर डाला जाए 90 अंश, यहां से इस पर लंब डाला जाए 90 अंश, तो इस कटान बिंदु को बोलते हैं आर्थो सेंटर, शीर्ष लंब केंद्र। कैसे डिफिनेशन बोलेंगे ध्यान सुनिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु आर्थो सेंटर कहलाता है। एक बार और, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये चौथा आपका क्लियर हो गया, शीर्ष लंब केंद्र, शीर्ष लंब केंद्र। तो चलिए एक बार मैं पूछ रहा हूं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से, थोड़ा देखे तो कितना आप लोग सीखे इसे चारों केंद्र के बारे में। अगर मैं पूछूं आपसे केंद्रक किसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, कोई भी जवाब दे, केंद्रक किसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, हेमा, माधिका, माधिकाओं का। भाई सही जवाब है मीडियन, माधिकाओं का, माधिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। क्लियर यशोप जी, ठीक है, भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि अब शॉर्टकट में आप बोलिए माधिका बोलिए, अब काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो केंद्रक का डिफिनेशन आप सेल्फ बना सकते हैं अपने से भी, अब कि किसी त्रिभुज के माधिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। देखिए, अब सारी चीज एकदम छोटी सी जगह में मैं घेर रहा हूं, जितना भी समझाया उसको छोटी से जगह में आप माइंड में सेटअप कर सकते हैं। किसी त्रिभुज के माधिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। क्लियर। दूसरा, अंतः केंद्र किसके कटान बिंदु को कहते हैं, अंतः केंद्र किसके कटान बिंदु को कहते हैं, बोलिए भाई, जल्दी बोलिए, जवाब दीजिए। कोणार्धक, एक मिनट एक मिनट, आप इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए, बढ़िया है, कोणार्धक, यानी कि कोणों के अर्धक का कटान बिंदु जो होता है अंतः केंद्र कहलाता है। तो डिफिनेशन बना लीजिए, किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर हो गया, चलिए, ओके ओके नीतू, ओके रंजन कुमार, आपका एंगल अर्धक, बहुत बढ़िया। परिकेंद्र, परिकेंद्र किसके प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, लंबार्धक, बहुत बढ़िया, लंबार्धक, यानी भुजाओं के लंबार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु। तो आप डिफिनेशन खुद इसका तैयार कीजिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। लास्ट, शीर्ष लंब केंद्र किसके प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, तो इसके नाम में ही छुपा है, शीर्ष से भुजाओं पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु, शीर्ष से भुजाओं पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु जो है सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, बहुत बढ़िया, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष लंब केंद्र कहलाता है। इन्हीं चारों सेंटर को बोला जाता है कि त्रिभुज के चार सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ये क्या है,
सेंट्रोइड, इन सेंटर, इसको शिफ्ट सेंटर बोलते हैं या सर्कुम सेंटर बोलते हैं, और ये हो गया आपका आर्थो सेंटर। तो चार सेंटर आपके क्लियर हो गए, एक सेंटर बच गया वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जो आउटर होता है। देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के भीतर आपने चार सेंटर पढ़ लिया। अब मैं चौथा सेंटर, पांचवा सेंटर बता रहा हूं जो बाहर होता है, इसको बहुत कम लोग जानते होंगे, ए बी सी। अगर मैं ए बी को बढ़ा दूं इधर की डी तक, और ए सी को बढ़ा दूं यहां तक ई तक, तो बता सी का निर्माण होगा? जल्दी बोलिए। मैंने ए बी को बढ़ा दिया डी तक, किस चीज का निर्माण होगा? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। बहिष्कोण, शुभम जी बहुत बढ़िया, बहिष्कोण का निर्माण होता है। तो एक बहिष्कोण यहां निर्माण हो गया, एक बहिष्कोण यहां निर्माण हो गया, देख रहे हैं आप लोग ना। तो इस बहिष्कोण के अगर अर्धक खींचे जाए, अर्धक यानी आधा आधी, इस बहिष्कोण के अर्धक खींचा जाए आधा आधी, तो ये जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देता है। और जब काट देता है तो इसको यहाँ पर लंगड़ा प्रकार रख करके जब इसको टच कराते हैं कोई रेखा, और इस तरह सर्किल खींचते हैं, तो ये तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्किल खींचाता है इस तरह से, और इसी सर्किल को नाम देते हैं बरही वृत्त। इसका नाम क्या देते हैं? बरही वृत्त। और इसके सेंटर को नाम दे दिया गया बरही केंद्र, बरही केंद्र। क्या आप लोग समझ पाए हैं एक बार में इसको? एक बार मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण के अर्धक का कटान भी बरही केंद्र कहलाता है। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है जो तीनों साइड को टच करके जाता है। एक बार और, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का कोणार्धक, बहिष्कोण का अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बरही केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में एक्स सेंटर, एक्स सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है, एक्स सेंटर। तो आपसे सवाल है कि एक्स सेंटर कितने हो सकते हैं, कोई जवाब देगा? एक्स सेंटर कितने हो सकते हैं? तीन। बहुत बढ़िया, एक इधर, अगर इसको बढ़ा दे, इसको बढ़ा देते कि इसमें, और इसको बढ़ा दे और इसको बढ़ा देते कि इसमें, तीन जो है एक्स सेंटर होते हैं। ये भी एक सवाल है, एक्स सेंटर कितने होते हैं ट्रायंगल में? तो बताएंगे तीन। क्लियर? तो आप लोगों को पांच मैंने केंद्र बताया, पांचों केंद्र में से एक के एक आना एकदम अनिवार्य है, चाहे कोई भी पेपर उठा के पीछे से भी आप देख सकते हैं, एसएससी का या रेलवे का, आपका एक सेंटर इसमें से मिल जाएगा, आपका एक क्वेश्चन एकदम क्लियर है आपका आना। ठीक है, ओके। तो आज भाई बस कह रहे हैं जयप्रकाश चौरसिया जी, कह रहे हैं कि बस, चलिए हम भी समझ रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस मैथ भी माइंड भाई लगाना होता है। तो आज का क्लास ओवर किया जाए, ओके, ओवर किया जाए, ओके। तो आप लोग टाइम पर भाई रेडी रहिए, एकदम टाइम पर आप लोग लाइव हो जाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और एक भाई आप लोगों से एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, गुड नाइट, गुड नाइट, सुनिए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप लोग जहां भी रह रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि कल कम से कम सारे लोग दो दो तीन दिन अगर एनडीआर चैनल को सब्सक्राइब करा देंगे तो यूट्यूब पर हम लोग लाइव हो जाते हैं, उसके बाद अनसब्सक्राइब भी करेंगे काम चल जाएगा, कम से कम लाइव हो जाते हैं हम लोग। गुड नाइट सुनील जी। तो और आपका वीडियो साफ सुथरा मिलता और भी सुविधाएं मिलती, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम अपने घर के आसपास में जो भी दो तीन मोबाइल है ये जो एनडीआर चैनल को सब्सक्राइब उसमें कर दीजिएगा, ठीक है, कि इससे थोड़ा हटके और हम लोग कुछ नया करें, ठीक है, ओके ओके। गुड नाइट, गुड नाइट, क्लास ओवर।